वैसे मैंने 1899 रुपये में बाई किया, मतलब 1900 रुपये के प्राइस ब्रेक में। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे पेयर करना है, किस तरीके से, कैसे आपको इश्यूज आ रहे हैं तो वो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। और कई लोग कह रहे हैं कि कॉल नहीं लग रहा है, मतलब वॉच से कॉल उठ भी नहीं रहा है ना ही कॉल लग रहा है, तो उसके लिए अलग से एक सेटिंग होती है, वो मैं आपको बताऊँगा। सो आप बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे जो बोल्ट की ड्रिफ्ट है उसमें जो इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। और सारे के सारे इश्यूज, कैसे पेयर करना है, क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आते हैं कि नहीं आते, यूट्यूब के आते हैं कि नहीं आते, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। और वेदर अपडेट शो करता है कि नहीं करता, और इसमें जो गूगल या सीरी है वो वर्क करता है कि नहीं, जो वॉइस असिस्टेंट है आपका। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि कॉस्मिक जो है बोल्ट की, जो अभी हाल फिलहाल में सेल पे है, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जाके आप ग्रैब कर सकते हो, वो इसके ऐसी सेम है? यस, बिल्ड क्वालिटी तो सेम मिलेगी आपको, पॉलीकार्बोनेट है इसमें भी, बट उसमें आपको क्या कहते हो, कॉलिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो इसमें आपको कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इसको आप नेक्स्ट सेल पे ग्रैब कर सकते हो, अभी तो ये आउट ऑफ स्टॉक है वैसे, और 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मे बी हो सके तो मिल जाए, डेफिनेटली बेटर रहेगा, और आप इसको ग्रैब कर पाओगे। वैसे मैंने 1899 रुपये में बाई की है, मतलब 1900 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे पेयर करना है, किस तरीके से, कैसे आपको इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। और कई लोग कह रहे हैं कि कॉल नहीं लग रहा है, मतलब वॉच से कॉल उठ भी नहीं रहा है ना ही कॉल लग रहा है, तो उसके लिए अलग से एक सेटिंग होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, हर एक मतलब वॉच के लिए पूछते रहते हैं, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ईयरबड्स से मैं कॉल ले सकता हूँ और वॉच में सिर्फ वॉच कनेक्टेड रहे एज अ फिटनेस वॉच, तो वो टॉगल करने का ऑप्शन जो प्रॉपर है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। बट फिलहाल इसकी क्वेरीज लेते हैं सारी की सारी, राइट। तो ये रही वॉच इटसेल्फ, और यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे पेयर होगी, और देन हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक्चुअली नेट ऑन कर लूं, क्योंकि मेरे में एक्चुअली वाईफाई से यहाँ पे कनेक्शन आता नहीं है, बहुत नीचे को है, थर्ड फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ। यहाँ पे हम नेट तो ऑन कर लेते हैं। तो आपको एप्लीकेशन कौन सी यूज़ करनी है, मैं आपको पहले मतलब बता देता हूँ, यहाँ पे बोल्ट फिट एप्लीकेशन है, बोल्ट की वॉच के लिए बनी पर्टिकुलरली, और यहाँ पे इसको इससे पेयर करना है आपको। तो बोल्ट एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास बोल्ट एप्लीकेशन नहीं है, आपको पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, स्ट्रेट अवे प्ले स्टोर पे जाओ, बोल्ट की एक ही एप्लीकेशन है तो उसको इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट। हम एक बार रीसेट कर देते हैं, पेयर करेंगे फिर यहाँ पे वॉच को, यहाँ पे अदर्स, यहाँ पे अगर आपकी वॉच काम नहीं कर रही है, कोई इशू आ गया है या एक्स वाई जेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रीसेट कर देना है, सिस्टम में जाना है, यहाँ पे रीसेट, यस रीस्टार्ट हो जाएगी अपने आप ही, और ये हमारी एप्लीकेशन खुल चुकी है। एप्लीकेशन क्या बोल रही है, एप्लीकेशन बोल रही है टर्न ऑन ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ टर्न ऑन कर दो यहाँ पे, आप मैन्युअली भी कर सकते हो। ये QR कोड स्कैन करने के लिए बोल रहा है, स्कैन भी कर सकते हो वैसे तो, और वैसे आप एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर ली तो ये पेयर हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे कनेक्टेड आ रहा है वैसे तो, क्योंकि मेरी पहले से कनेक्टेड थी, हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, यस। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड डिवाइस करना है दोबारा से, यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज ऑफ है, देखो मैक्सिमम जो वॉचेस होती हैं वो पेयर नहीं होती हैं ड्यू टू लोकेशन सर्विसेज टर्न ऑफ, तो आपको लोकेशन सर्विसेज ऑन कर लेनी है पहले, देन ओनली पेयर होगी, वरना पेयर नहीं होगी, आप बार बार परेशान होगे फालतू में। यहाँ पे ऑन कर लिया, देखो बोल्ट ड्रिफ्ट आ चुकी है, बज आइकन भी आ चुकी है कि ड्रिफ्ट, इसे करते हैं, कनेक्टिंग आ रहा है, कनेक्ट हो चुकी है, राइट। अब गाइस इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कूडेंट पेयर द ड्रिफ्ट फोन, तो वो आपको करना है, अभी मेरे से वो नहीं हो पाया, बैक कर दिया था मैंने गलती से, यहाँ पे ही रहा वॉच पे, ये देखो वॉच फेस अब हम आते हैं तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, जो कि हमारी नॉइस बज आइकन में आता ही नहीं ऑप्शन, तो ये थोड़ा सा है कहीं ना कहीं, नॉइस को वो अपडेट करना चाहिए कहीं ना कहीं थ्रू OTA निकालना चाहिए इनको। अब कॉलिंग वाला फीचर देखिएगा, इस काम नहीं करेगा अभी तो, क्योंकि वो मैंने अलाउ नहीं किया था, तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे रहा कॉल वाला फंक्शन, देखो प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर पेयरिंग, तो पेयर नहीं कर रखा हमने, आपको करना क्या है पेयर करने के लिए, यहाँ पे जाना है सिंपली ब्लूटूथ पे, लोकेशन सर्विसेज ऑन ही रखनी है आपको, ध्यान रखना है, और यहाँ पे ड्रिफ्ट फोन के नाम से एक और प्रोफाइल होगी, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, पेयर विद द ड्रिफ्ट फोन पेयर। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आपका मेन्यू ऑन हो जाएगा, देखा आपका ये ऑन हो गया डायल पैड, अब प्रॉपरली आप कॉल लगा सकते हो, आराम से आप कॉल लगा सकते हो, देखो लग गया ना कॉल, मैंने कहा था मतलब आपको एक प्रोफाइल ऐड कर लेनी है, वो प्रोफाइल कहीं ना कहीं इशू देती है, और कहीं ना कहीं वॉच काम नहीं करती, कॉल
नहीं लगेगी, तो यहाँ पे लग गई है राइट। इस तरीके से आवाज़ भी कम कर सकते हो, यहाँ से हम कट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपरली मेरा कनेक्ट हो गया, कोई इशू नहीं आया। आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है राइट। अब और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आप सभी को? और इश्यूज़ ये हो सकते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन आ रहे हो, तो वो कैसे रिजॉल्व करने? एप्लीकेशन में जाना है, सिंपली एप्लीकेशन में जाना है आपको। यहाँ पे ये रहा, एप्लीकेशन में जाने के बाद आपका ये देख सकते हो नोटिफिकेशन एक्सेस, यहाँ पे सारे के सारे अलाउ कर रखे हैं मैंने। अदर्स पे करोगे तो गाइज वो भी शो करना स्टार्ट कर देगा, जो मतलब इवन आपने कोई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर रखी है ना यहाँ पे, जैसे कि मेरा टेम्परेचर वाला, मतलब जब बैटरी चार्ज होती है तो टेम्परेचर यहाँ पे मॉनिटर वाला दिखाता है, तो ये वाला एप्लीकेशन, तो इसके भी सारे के सारे नोटिफिकेशन शो करना स्टार्ट कर देता है, तो इसीलिए मैंने इसको हाइड कर दिया था राइट। कहाँ गया एक्चुअली ये रहा। अब बैक करते हैं। और गाइस क्या हो रहा है आपको? क्या इशू आ रहे हैं? कॉन्टैक्ट ऐड नहीं हो रहे, क्या हो रहा है? देखो बार बार ये दिखा रहा है स्पीड, और वो दो चीज़ दिखाएगा बार बार, तो आप परेशान हो जाओगे। तो अदर्स में नोटिफिकेशन आपको ऑफ कर देना है ताकि बार बार ना ये शो करे। अब यहाँ पे अगर व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं या मैसेज के नहीं आ रहे, तो आपको ऐप नोटिफिकेशन में जाके इस एप्लीकेशन को अलाउ कर देना। देखो नोटिफिकेशन एक्सेस पे है ना, यहाँ पे ये रहा, इस पे टैप करना है। यहाँ पे वन सेकेंड हो नहीं रहा एक्चुअली, ये रहा। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद बोल्ड फिट को ये नोटिफिकेशन एक्सेस दे देना, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, ध्यान रखना। आपको ये देना ही देना है, नहीं तो आपके ये नोटिफिकेशन काम नहीं करेंगे राइट। अब ये नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा, मैंने अदर्स वाला ऑफ कर दिया। अपग्रेड भी चलते हैं, क्या उसका अपडेट आया कोई? नहीं, अप टू डेट ऑफ ऑलरेडी। और अदर्स में चलते हैं। अदर्स में जाने के बाद आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि फाइंड डिवाइस का ऑप्शन, वॉच फाइंड होने लगेगी, यूनिट सिस्टम है, कंटिन्यूस हार्ट रेट क्लोज कर रखा है मैंने, आप ऑन भी रख सकते हो 10 या 20 या 30 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली कर देगा। रिमाइंडर्स टू मूव आपको यहाँ पे रखना है, तो थोड़े टाइम बाद ये आपको मूव करने के लिए बोलेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और यहाँ पे पावर सेवर आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, और लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ऑटो लॉक यहाँ पे 5 सेकंड का है, तो यहाँ पे 20 सेकंड मैक्सिमम कर सकते हो, ये वॉच से भी हो जाता है। और क्विक व्यू में मिल जाता है ये सब चीज़ें। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर आपको यहाँ पे ऑन रखना है, तो ऑन कर सकते हो फ्रीक्वेंटली, जिस तरीके से आपको सेट करना है। मतलब हार्ट रेट वार्निंग भी यहाँ पे शो करता है। वेदर यहाँ पे शो कर देगा प्रॉपरली, अभी जो सिटी अगर आप ही सेलेक्ट करते हो, वैसे तो अगर मैं दिल्ली करता हूँ तो दिल्ली का शो कर देगा, तो आपको, मैं वैसे रहता हूँ फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद में वन सेकंड दिल्ली का क्या मैं टेम्परेचर ले सकता हूँ यहाँ पे? दिल्ली एरा इंडिया। अब गैस मेरे वॉच में दिल्ली का टेम्परेचर दिखाएगा, तो दिल्ली का टेम्परेचर यहाँ पे वन सेकेंड, वेदर पे चलते हैं, तो देखो दिल्ली का यहाँ पे शो कर रहा है राइट। तो अगर चाहो तो आप वो वाला भी सेट कर सकते हो अपने लोकेशन का भी। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है, दैट्स इट। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें बेटर तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं नहीं। 8 ही कॉन्टेंट को सेव कर सकते हो, सेव करोगे तो वॉच में आ जाएंगे। यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करके बाद डिफरेंट कॉन्टेंट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जौन सा भी आपको चाहिए, उसके बाद आपको येस कर देना और यहाँ पे सिंक हो जाएंगे पर्टिकुलरली राइट। चलते हैं बैक। और अलार्म आप यहाँ पे लगा सकते हो, और वॉच से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अलार्म लगाने का ऑप्शन है कि नहीं। मेरे ख्याल से थ्रू द वॉच अलार्म लगाने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, आपको एप्लीकेशन से ही लगाना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ बस ऑन करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा प्रॉपर अगर आप अलार्म लगाना चाहते हो राइट। और करते हैं बैक। और शटर बटन तो काम करता ही है। वॉच फेस अगर आपका नहीं लग रहा है तो आप लगा सकते हो वैसे यहाँ से, इस तरीके से यहाँ पे चेंज भी हो जाता है प्रॉपरली। और अपनी पिक को भी ऐसा वॉच फेस लगा सकते हो, थोड़ा टाइम लेता है वैसे तो। लाइव वॉच फेस आपको अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ, बट यहाँ पे डिफरेंट वॉच फेस तो जरूर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। अदर्स पे चलते हो यहाँ पे, और तो यहाँ पे लोड हो जाएंगे थ्रू द इंटरनेट। यहाँ पे आप जौन सा चाहो वौन सा लगा सकते हो, और कितने हैं वॉच फेस वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 100 तो होने चाहिए कम से कम, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली बहुत सारे आपको वॉच फेस मिलते हैं, तो जहाँ से आप चूज़ कर सकते हो क्लाउड से जौन से आपको लगाने हैं, ठीक है। इस तरीके से ये मेरे को अच्छा लग रहा है, तो इसको लगाते हैं एक बार। तो यहाँ पे लग चुका है, देख सकते हो प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से यहाँ पे विजिबल भी हो, और ब्राइटनेस लेवल्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको। अब गाइज इन द वॉच इटसेल्फ और चीज़ चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज़ आपका मतलब यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन को कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक्टिविटी डाटा शो करता है प्रॉपर्ली, और यहाँ पे स्लीप भी मॉनिटर कर रहा है। मैंने इसको पहना था रात में, कल पहना था एक्चुअली, और यहाँ पे स्लीप मॉनिटर कर रहा था। मिनिमम आपको कम से कम 3 घंटे की स्लीप तो लेनी है, देन ओनली यहाँ पे शो करेगा। और चीज़ें तो आपको पता ही है, मैंने इसका अनबॉक्सिंग डिड ऑन रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है, और यहाँ से आप चीज़ें चेक कर सकते हो प्रॉपर्ली। AI वॉइस असिस्टेंट कैसे काम करता है वो भी चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, फरीदाबाद इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अ पार्ट ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। तो मैंने वेदर पूछा था, ये पता नहीं क्या बता रहा है। What is the meaning of word happy?
meaning of happy, feeling or showing pleasure, please. What is this brand called Bolt? Here are the top search results. तो टॉप सर्च रिजल्ट्स तो आ गए हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे इसमें वॉच में इटसेल्फ नहीं बोल रहे हैं। इज बोल्ट अ स्मार्ट वॉच ब्रांड? हियर आर सम रिजल्ट्स फ्रॉम द वेब। तो मेरे ख्याल से इन वॉच में ही बोलना पड़ेगा, थोड़ा पास में बोलना पड़ेगा, थोड़ा दूर से बोल रहा हूँ शायद इसलिए नहीं हो रहा है। इज बोल्ट अ स्मार्ट वॉच ब्रांड? अकॉर्डिंग टू amazon.in, Firebolt India's number one smartwatch brand. Talk to Bluetooth calling smartwatch with dual button, hands-on voice assistance, 60 sports modes, inbuilt mic and speaker with IP68 rating, black pre-size. तो गाइस ये Firebolt के लिए बता रहा है, इसके लिए नहीं बता रहा है। और तो चीज़ें जैसे कि म्यूज़िक, यस म्यूज़िक पास आप इन द वॉच सुन सकते हो, देखो राइट right. यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम भी बहुत तगड़ी हो जाती है इसकी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। यहाँ से आप पॉज भी कर सकते हो राइट right. ये सब चीज़ें तो वर्क करती हैं प्रॉपरली और अच्छी तरीके से काम करती हैं। फाइन फ़ोन करते हो तो फ़ोन रिंग डाउन स्टार्ट हो जाता है, अदर्स में तो आपको पता ही क्या क्या मिलता है आपको राइट right? कुछ लोग कह रहे थे वॉच फेस उनको दो या तीन ही मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है एज सच। देखो यहाँ पे जितने हैं उतने ही मिलेंगे आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 7 वॉच फेस मिलते हैं आपको, लास्ट वाले को आप चेंज कर सकते हो, दैट्स इट। तो ये सारी के सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, और इसके अलावा आपका इशू रहता है तो आप ज़रूर मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने मेन जो चीज़ थी, जो ब्लूटूथ कॉलिंग वाला था फंक्शन था, वो मैंने आपको बता दिया कैसे कनेक्ट होगा, और इसके अलावा तो और कोई इशू है नहीं। और एक चीज़ और बता देता हूँ लास्टली, यहाँ पे 22mm का स्ट्रैप साइज़ है, इसका आप इंटरचेंज कर सकते हो, वैसे यहाँ से निकल जाता है देख सकते हो ये रहा, और यहाँ पे 22mm का कोई और भी आप इसमें लगा सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आप सभी के लिए, जिसमें मैं स्ट्रैप साइज़ मतलब स्ट्रैप्स में लगा के दिखाऊंगा, और मेरे पास रखे हुए हैं 22mm वाले, तो वो भी हम चेक कर लेंगे एक बार राइट। तो ये था एक सिंपल सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको क्वेरीज इश्यूज सारे के सारे रिजॉल्व कर दिए इस वॉच में, और डेफिनेटली यहाँ पे इसके अलावा भी आपका इशू रहेगा तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को भी ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।